एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का पार्किंग टाइकून बिजनेस सिमुलेटर के एक और नए मजेदार एपिसोड में। अभी मेरे पास में पूरे के पूरे $1,00,000 हो चुके हैं और इन सारे के सारे पैसे को हम आज के एपिसोड में खर्च करने वाले, क्योंकि आज अपने को अपनी रेपुटेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, साथ ही साथ अपने को ऑफिस अपग्रेड करना है, जितनी भी फैंस है वो सारी की सारी चेंज करके अपने को Level 3 की फैंस लगानी है। बट Level 3 की फैंस अभी ओपन नहीं हुई है, इसलिए हम पहले रेपुटेशन काम करेंगे, रेपुटेशन बढ़ा लेंगे, तब तक फैंस अनलॉक हो जाएगी और आज हम हमारे प्यारे पोर्टर्स को भी जॉब से निकालने वाले, क्योंकि ऑटोमेटिक वाली हमने टिकट कलेक्ट करने की मशीन लगा दी है $10,000 की, तो अपने को अब वो लोग की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अब वो खामा खा बस बैठे हुए, तो सबसे पहले ना हम एम्प्लॉयज़ के अंदर जाके सारे के सारे पोर्टर्स को निकाल देते हैं, ठीक है, कैंसिल कर देता हूँ मैं। हट जाओ भाई, निकल जाओ तुम लोग यहाँ से। अभी ये बंदा एक्टिव है, अभी इसकी जॉब चालू है, ठीक है। बाकी गार्ड और क्लीनर को मैं रहने दे रहा हूँ। शॉप के अंदर जाकर अभी मैं Roof 3 की ना शेड मंगा रहा हूँ ना कोई चीज़। पहले जो ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई है ना, ये मैं सेल करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे को ग्रास लगानी है। ये सारे छोटे छोटे थे वो पौधे हैं ना, इनको हम उसके स्टैंड के अंदर रखने वाले हैं। बाकी ऐसी वाली जो ग्रास है ये पूरी की पूरी लगाकर, अभी तो मैंने गैप गैप से लगाया हूँ, बट अभी और ग्रासेस मंगा कर ना इसको चिपका कर लगा देंगे। साथ ही साथ अपने को Level 4 की पार्किंग भी अनलॉक करनी है। ये शेड भी मैं बेच कर ना अच्छे वाले शेड लगाने वाला हूँ। टोटल हमारे पास में पैसे $99,511 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही अमाउंट है। अभी चलते हैं हम पार्किंग 4 एरिया के अंदर। रोड कॉन्क्रीट, ग्राउंड कॉन्क्रीट और रोड अल्फा, ग्राउंड अल्फा, ठीक है। पैसे कितने बचे? $52,000 ही बचे भाई मेरे पास तो। अब साइड वॉक है ऑफिस का, ये 16,000 का, ये भी ओपन कर लूँ क्या यार? दिल तो कर रहा है Level 3 का ओपन करने के लिए, बट रुक जाओ, अभी फिलहाल के लिए $5,000 देते हैं। भाई मेरे पास में सिर्फ अब $47,000 बचे। ना 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 ना, मैं नहीं कर रहा और खर्चा, मेरे तो पैसे ऐसे ही ख़त्म हो गए। अभी अभी अपने को 18 पेंट लगेंगे, तो सबसे पहले 18 पेंट मंगा लेते हैं, ठीक है, जो कि आ रहे हैं $3,600 के। अरे उजाला हो गया है, तुम ब्राइटनेस बढ़ा लो अपनी, ठीक है। ये बार बार ना, मेरी इतनी पुराने ज़माने की टीवी है, मेरे को सारा बंद करके चालू करना पड़ता है। पोर्टर लोग, ए तेरे को मैंने जॉब से निकाल दिया, ठीक है, तू यहाँ पर बैठ के ना फालतू की सैलरी मत बटोर, तू निकल ले यहाँ से। ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चल रही है। इधर मैं बैक साइड में फ़ैंस इसलिए नहीं लगाया हूँ, क्योंकि इधर साइड में ना अभी हम डायरेक्ट Level 3 की फ़ैंस लगाने वाले हैं। अपने पास में Level 1 की फ़ैंस है, जिसको वो लोग तोड़ दे रहे हैं, वो फ्री फायर वाले बंदे, इसीलिए मैं उसको हटाकर डायरेक्ट Level 3 की लगाऊंगा। Level 2 के ऊपर तो अपने को जाने का नहीं है। एक बार चेक कर लेते सिक्योरिटी के अंदर जाकर Level 2 की फ़ैंस कितने की आ रही है। $250, मतलब सस्ती ही है, हमने $100 की ये फैंस लगाई थी, बट अपने को Level 3 की फैंस चाहिए, जो कि आ रही है $500 की। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डिलीवरी अराइव्ड, बहुत जल्द आ गया आज। रेपुटेशन बढ़ने वाली है हमारी, Level 6 पर जाने वाले हैं हम बहुत जल्द। फटाफट से मेरे को अपग्रेड करना पड़ेगा हमारा दिमाग ना, मतलब आज कहीं पर भी अपने को फोकस नहीं हटाना, स्टेप बाय स्टेप अपने को सारी की सारी चीज़ें करनी, ठीक है। 16 पेंट आ गए, फटाफट से जाके फुस फास करके सारे के सारे पेंट लगा दे। सिक्योरिटी वाले ऐसे ही दौड़ता रहे। वैसे ये साइड वॉक जो है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा है। $5,000 गए इसके अंदर, बट पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब जो फूड स्टॉल है, कॉफ़ी और वो वेंडिंग मशीन, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इधर साइड में लगाने वाला हूँ, पूरा टोटल उधर साइड से ना। अभी हमने ऑफिस के बाजू से वो सारी चीज़ें रखी हैं ना, उनको पूरा वहाँ से हम हटा देंगे और साइड वॉक के ऊपर लगा देंगे, ताकि एक थोड़ी सी डेडिकेटेड जगह हो जाए। लास्ट एपिसोड में करने वाले थे, बट हमारे पास में ना उतना ज़्यादा पैसा नहीं था। ये कर लिया मैंने इक्विप, 18 चाहिए अपने को। मेरे पास में ना 2-3 पेंट और एक्स्ट्रा में पड़े, फटाफट से ना यहाँ पर भी स्प्रे कर देता हूँ अब मैं। अरे चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया, कहाँ है चोर? चोर वेर आर यू? अरे कहाँ है? इधर नहीं, इधर साइड में होगा कहीं। अरे यार कहाँ पर बैठा है? नहीं कर नहीं। अरे कहाँ है सिक्योरिटी वाले? इधर कहीं बैठा है क्या? हाँ यहीं कहीं बैठा होगा। लेकर भाग गया क्या कहाँ से? अरे यार उधर साइड से, समझ में नहीं आता ना कौन कहाँ से चुरा रहा है यार। अब खामखा का $2,500 का नुकसान हो गया मेरा। कौन सी कार का क्या लेकर गया है? इधर साइड से तो कुछ नहीं दिख रहा, इधर से भी नहीं, पता नहीं कौन सी कार का कहाँ से क्या चुरा कर लेकर चले गया, मेरे को नहीं पता। अभी कितना पेंट बचा है वो भी मैंने ध्यान नहीं दिया।
पैसे देख रहे हो कैसे आ रहे हैं अपने पास में, है अनलिमिटेड पैसा आ रहा है अपने पास में चीते की रफ्तार से। शाम होने से पहले ही सारी चीज़ें करनी है अपने को। और अभी ना गेम में कुछ तो अपडेट भी आया है AI एनहेंस, क्योंकि रात में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था ना, तो शायद से वो चीज़ को ये लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। आई डोंट नो, अभी वो तो रात होने के बाद में ही अपने को पता लगेगा। मेरे सिक्योरिटी वाले जो बंदे ना बहुत फालतू है भाई, कुछ काम के नहीं है, सिर्फ दौड़ते रहते हैं, वो अपना वर्कआउट करते हैं, बीवी से परेशान होकर यहाँ पर आते और फिर वर्कआउट करने लग जाते, इधर दौड़ते रहते। चलो ये वाला काम कंप्लीट हो गया, अब अपने को चाहिए यहाँ पर सारे के सारे ब्रेकर्स, ब्रेकर नहीं है पार्किंग बैरियर जो भी बोलते हैं इसे, ये अपने को चाहिए। अभी मन तो बहुत कर रहा है यार $16,000 ऑफिस के अंदर खर्च कर दूँ। मेरे को पता नहीं था, मेरे को ऐसे लगा था कि $1,00,000 में अपना काम हो जाएगा, अच्छा खासा अपग्रेड हो जाएगा, वरना ना मैं ऑफलाइन अच्छी खासी मतलब इनकम जमा कर लेता, मैं कम से कम 1.5-2 लाख तो कर ही लेता। बट चलो खैर कोई बात नहीं, 18 मैंने पार्किंग लिमिटर ले लिया हूँ, और इसके अलावा क्या लगेगा फिलहाल में तो चलो ठीक है, काम करते हैं डेकोरेशन के अंदर भी जाकर ना ये सारी की सारी मैं मतलब प्लांट्स मंगा लेता हूँ। एक काम कर दो, कितने प्लांट्स मैं एक टाइम में मंगा सकता हूँ, 30 नहीं, चलो मैं काम करता हूँ 25-27 एक टाइम में, 27 ये और 18 ये, ठीक है। और कुछ मैं ऐसी अनोखी खूबसूरत सी चीज़ ऑर्डर कर सकता हूँ क्या, फुटकार्ट भी अभी मंगाऊँ या फिर फुटकार्ट को बाद में मंगा दे, फुटकार्ट को भी नहीं, फुटकार्ट को बाद में मंगाएंगे, अभी स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। पार्किंग शेड नहीं मंगाने क्योंकि शायद से लेवल फ्लोर मतलब उसके ऊपर छत आ जाएगा, और जो अपने ऑलरेडी लगाया है ना वो हम बेच देंगे। हो गया ये वाला कंप्लीट, वुडन बेंच अभी नहीं, जब हम स्टोर सेट करेंगे उसके बाद भी सारी चीज़ें करेंगे। चल भाई फटाफट से आजा बंदे डिलीवरी वाले, ताकि मैं अपग्रेड कर सकूँ। दोपहर भी हो गई यार, अभी इतनी जल्दी दोपहर भी हो जाती है इस गेम में, दोपहर क्या शाम ही हो गई है। अब मैं यहाँ से सारे के सारे प्लांट्स हटा रहा हूँ, और इन सारे प्लांट्स को मैं बेचने वाला हूँ, ठीक है, कुछ भी नहीं रखने वाला मैं अपने पास में, क्योंकि अच्छे वाले प्लांट्स आने वाले हैं ना इधर। वैसे यार इधर मैं पहले हटाता नहीं तो ज़्यादा बढ़िया रहता, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब हटा दिया तो हटा दिया। इधर से भी ये सारा हटा रहा हूँ मैं, पूरा बेच दूंगा, एक एक चीज़ बेच दूंगा। वैसे हमारे पास में अभी रेपुटेशन देख रहे हो कैसी कम हो रही है अपनी, कितनी ज़्यादा स्पीड से कम हो रही है, बट बढ़ भी जाएगी हमारी रेपुटेशन, टेंशन नहीं है। डिलीवरी अराइव्ड और इन्वेंट्री फुल, तो ये रही मेरी इन्वेंट्री, हर एक चीज़ पूरी की पूरी सेल कर रहा हूँ मैं, पैसे आ रहे हैं ना अपने पास में। हाँ चलो कुछ नहीं छोड़ना, पेंट भी ले रहा हूँ, पेंट का भी अभी ज़रूरत नहीं है, सारी इन्वेंट्री खाली रखना है। इन्वेंट्री की कैपेसिटी अनलिमिटेड रखते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है यार, एक टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, मतलब ज़्यादा सामान उठाओ और लेकर जाओ। अब तो मेरे को पैसे कलेक्ट करने का ना टेंशन ही खत्म हो गया, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, कितना सारा माल मंगा लिया हमने। यहाँ पर भी मैं ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकता, पहले मैं लगाता हूँ सारे के सारे बैरियर। इतनी कैपेसिटी है मेरी, 18 लेके जा सकता हूँ एक टाइम में, वेरी नाइस, अच्छी खासी रेपुटेशन बढ़ गई थी, फिर दोबारा कम हो गई है। ए क्या करने जा रहा है तू, कहाँ से आ रहा है और चल निकल। दीवार नज़दीक से देखो कितनी ज़्यादा ख़राब लग रही है, दूर से ना एकदम प्लेन लग रही है खूबसूरत सी, पता नहीं क्या क्या चीज़ है इस गेम में। अच्छा वो हमने काउंटिंग करके रख लिया था ना, तो अपने को हर एक चीज़ ऑर्डर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सबसे ज़्यादा स्पीड में ना लिमिटर ही रखते हैं, क्योंकि इसकी जगह फिक्स है ना, ग्रास की भी अगर जगह फिक्स होती रहा तो ज़्यादा बढ़िया होता। पार्किंग 4 के अंदर मैंने सोचा नहीं था यार इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, पूरे पैसे यहीं खर्च हो गए। एक ब्लैक इधर से भी कुछ दिख रहा है, बट पता नहीं यार अब वो क्या होने वाला है इधर से। आई गेस ना ऊपर, इसके ऊपर ना कुछ छत बनेगी या कुछ ऐसे होगा, ऊपर साइड में भी ना फिर पार्किंग आ जाएगी। $33,000 स्टिल हमारे पास में बचे हुए हैं। चलो ठीक है, रात होने से पहले ये भी मैं फटाक से प्लेस कर देता हूँ। ग्रास एक टाइम में कितनी आ रही, ज़्यादा नहीं आ सकती, 13 ही आ रही है। चलो ठीक है, 13 ग्रास लगा के आते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। पहले यहाँ पर चिपका कर लगा दूँ या नई वाली पार्किंग को सजा दूँ? नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले यहाँ नज़दीक में जो है उसको पहले पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो एक लाइन पूरी कंप्लीट, बीच में से आने जाने के लिए भी अब जगह नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट ना चिपका कर ही सारी चीज़ें लगाया हूँ। रेपुटेशन जितनी कम हुई थी ना उससे ज़्यादा दोबारा बढ़ गई है। अब एक काम करता हूँ, ग्रासेस ना और मैं ऑर्डर कर देता हूँ, जब तक वो ग्रासेस वाला बंदा मतलब डेकोरेशन लेकर आ जाएगा। ये लगा रहा हूँ सबसे ज़्यादा, ये हेजेस के अंदर ही अपने को अपनी रेपुटेशन बढ़ रही है। पहले तो इनकम $0.5 से बढ़ जा रही है, साथ ही साथ 10-10 की रेपुटेशन भी बढ़ रही है, तो ये सही लग रहा है मेरे को। ये भी एक टाइम में कितने मंगा सकता हूँ, ज़्यादा मंगा सकता हूँ तो नहीं, 27 या
25 मंगा सकते हो, चलो ठीक है 25 मंगा सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से ना सारी चीज़ें ऑर्डर हो रही है यार, अंधेरा होने वाला है। 14 मेरे पास में अभी भी पड़े हुए हैं। ये एक चीज़ तो अच्छी है कि अपने वेयर हाउस का डोर ओपन रखने के बाद भी ना अपने वेयर हाउस से कोई भी चीज़ें चोरी नहीं होती, वरना बहुत ना ऐसे मूड ऑफ होने वाली बात है। यार इधर से तो मैंने ऑलमोस्ट सारी ग्रासेस, नहीं ज़्यादा ग्रासेस नहीं बेचे थे हमने क्योंकि अपनी इन्वेंट्री फुल हो गई थी ना। अब रात में ना इंतज़ार नहीं करते हम। अरे मैंने उधर की पार्किंग के लिए लाइटें तो मंगाना ही भूल गया, चलो अभी लाइटें भी ऑर्डर कर लेते हैं। पहले ग्रास का सेक्शन कंप्लीट कर देता हूँ मैं। ये एक यहाँ पर, दूसरी थोड़ी यहाँ पर। बाहर आ रही है क्या? नहीं, ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है। डिलीवरी वाला आ गया। रुकना अंकल रुकना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है मैं ग्रास लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इतना लगा के आऊँगा। वैसे एक एक बिक्री कितने में? अच्छा खासा तो पैसा जा रहा है भाई। 2839 रेपुटेशन हो गई है अपनी। अभी भी 3 ग्रास बची हुई है। इसके ऊपर चढ़कर ग्रास लगा रहा हूँ ना तो एकदम परफेक्ट लग रही है लाइन के अंदर बिल्कुल। बस ये लास्ट वाली लगा दिए, हो गया। ये वाला सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है यार। ग्रेविटी बनाकर चला गया है। -50 की रेपुटेशन कर दिया उसने। स्टोरेज के अंदर 13 एजेस है, इन्वेंट्री के अंदर 13 है। ठीक है अब मैं मंगाता हूँ 4 कैमरे भी तो ज़रूरत है अपने को। 4 नहीं, 2 कैमरे की ज़रूरत है। 2 भी नहीं, 1 ही कैमरे की ज़रूरत है क्योंकि एक ऑलरेडी अपने पास में पड़ा हुआ है ना। तो एक कैमरा और इसके साथ में ये वाली 4 लाइट है। ठीक है और स्ट्रीट लाइट अपने को कितनी लगेगी? 6 मंगा लूँ या फिर 4 मंगा लेते अभी के लिए। ठीक है 4100 का ये खर्चा कर देते हैं। 23,000 रुपये स्टिल बचे हुए हैं। ये वाली पार्किंग पूरी की पूरी कंप्लीट। अब उधर भी जाकर ना जितनी बची कुछ ग्रासेस है इसको भी यार मेरे को चिपका कर लगाना है, बट इसका इतना ज़्यादा सीन नहीं है। पहले बाजू का कंप्लीट कर लेते हैं हम। पार्किंग 4 का, लेवल 6 की तो रेपुटेशन आज होनी है भाई। वैसे इधर की भी ग्रासेस बची हुई है लेवल 4 के अलावा भी। अरे सॉरी सर, तुम पता नहीं कब से खड़े हो, तुम्हारे आगे का टायर चोरी हो गया ना। सॉरी। $300 दे दिया यार मैंने उसको। ये तोड़ करना चला जाए, ऑटोमेटिक खुल जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रुक जम, अरे आवाज़ आई। यहीं पर है कहीं तो। वेर कहाँ है? ये आ रहा है भाग के। अरे रुक खा ले, नुकसान पे नुकसान कराए जा रहे भाई। रुक जा बुट्टे, एक तो खा ले। रुक जा, पकड़ उसको सिक्योरिटी वाले, पकड़। अरे भाई मेरे साथ ही क्यों होता। अरे 3049 की रेपुटेशन। पहले दोनों कैमरे आ जाओ इन्वेंट्री में, ठीक है उसके बाद में चारों लाइटें आ जाओ, ठीक है उसके बाद में जितनी भी है जैसे ये आ जाओ, जितनी भी आएगी आण दो। पहले उजाला करेंगे उसके बाद में देखेंगे। वैसे अब सुबह होने पर ही है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इधर तो हमने चारों लाइटें लगा दिए थे ना, इधर तो उजाला है। चलो इधर हो गया थोड़ा सा उजाला। यार थोड़ी सी ना मतलब ब्राइटनेस होनी चाहिए थी गेम में, या फिर लाइटें ज़्यादा लगाने का ऑप्शन होना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर होता। समझ में ही नहीं आता और ना साउंड बराबर आता नहीं है। जहाँ पर भी चोरी कर रहे हैं ना एकदम प्रॉपर ऐसे साउंड नहीं आता कि अरे हाँ यहाँ पर चोरी हो रही है, वैसा वाला साउंड ही नहीं आता यार। क्या कैमरा कहाँ लगेगा अब? एक तो कैमरा सामने, एक एक जगह ही लग रहा है क्या कैमरा बस? हाँ देखो इधर। वैसे मेरे को कैमरा मंगाने की भी ज़रूरत थी नहीं, एक ही कैमरा लग रहा है मेरे को तो। ऐसा लग रहा है हर एक पार्किंग के अंदर ना एक कैमरा, 2 कैमरे होने चाहिए थे एक पार्किंग के, वो ज़्यादा बेटर रहता। बैक साइड का कैसे देखेंगे फिर? अगर एक भी बंदा कार के पीछे आकर बैठ गया तो फिर क्या? फाइनली सुबह हो गई है। स्ट्रीट लाइट तो मैंने रख लिया हूँ इन्वेंट्री में, कहाँ कहाँ पर लगाना है पहले तो वो देखते। नज़दीक में तो यहाँ की सारी रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है, बचा है इस साइड बैक साइड में। क्या यहाँ पर भी मैंने लाइटें लगा दिया? नहीं, इधर भी लाइटें आएगी। कितनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है हमारी, दूर से बता देता यार, नज़दीक जाकर चेक करना पड़ रहा है। देखो कितनी ज़्यादा नज़दीक जाकर देख रहे तो अपने को पता लग रहा है। अरे यहाँ पर भी लगाना है क्या? हमारे पास में अंडरग्राउंड पार्किंग होने वाली है इधर। ये देखो इधर साइड में, नज़दीक जाने के बाद में पता लग रहा है। 3252 की रेपुटेशन अपनी कंप्लीट हो गई। यार मैंने और लाइटें मंगाना चाहिए था। चलो ठीक है, अभी इधर की जो गैप से है ना सारी चीज़ें, इसको भी अपने को कंप्लीट करना है, बट पहले एक साइड का मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अरे तेरे बाजू खड़े रहकर ग्रेफिटी बना रहा है तू। अच्छा ये कचरे वाला, तेरे बाजू खड़े रह के ग्रेफिटी बना रहा था वो, तेरे को उतनी भी अक्ल नहीं है? हैं क्या चल रहा है यार? ये ऑटोमेटिक वाला प्रोसेस बड़ा पसंद आया मेरे को। पैसे बस
आते जा रहे, पता नहीं मेरे को कितने पैसे आ रहे, बट यस अच्छे खासे आ रहे होंगे। 100-200 डॉलर तो ऐसे ही इजीली अपने को मिल रहे होंगे। और बस कुछ ही मिनट में हमारी रेपुटेशन ना पूरी की पूरी बढ़ जाएगी भाई, फुल हो जाने वाली है रेपुटेशन। तुम देखो खाली 3284 हो चुकी है, वेरी नाइस। दिखने में वो छोटे वाले पौधे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बट उससे ना उतनी इनकम नहीं बढ़ती, 0.1 डॉलर का खाली फ़ायदा हो रहा है। तो इसीलिए बस मैं ये जो महंगे महंगे वाले ना इस पर खर्च कर रहा हूँ। 37,000 डॉलर्स है, मैं और ग्रासेस मंगा रहा हूँ। और वैसे 38 थोड़ी सी ज़्यादा नहीं हो जाएगी है, ऑर्डर तो कर सकते हैं हम, एक काम करते 35 या 30 मंगा लेते हैं, 15,000 डॉलर के। ठीक है, अभी हमारे पास में 23,400 डॉलर्स बचे हुए हैं। अब डिलीवरी वाला आने तक ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ की तो सारी ग्रास मैंने चिपका चिपका कर लगा दिया हूँ, इधर की भी जो बची बची ग्रास है ना इसको भी उठाता हूँ और एकदम लाइन से लगाएंगे हम। वैसे भी मैंने टेढ़ी मेढ़ी देखो सारी ग्रासेस लगाया था इधर, सबको चिपका कर लाइन से जितनी रेपुटेशन ना बढ़ा सकते ना बढ़ा लेंगे भाई। कर लो पूरा अनलोड कर लो। ठीक है, स्टॉक हो गया फुल, चलते हैं। अब इतनी बड़ी जगह में मैंने 13 ग्रास लगाया था, अब देखो चिपका चिपका कर लगाऊंगा तो पता नहीं कितनी ग्रासेस लगने वाली है। जितनी यहाँ पर पूरी 13 ग्रासेस लगी थी ना, ये तो एक ही सेक्शन के अंदर ख़त्म हो गई है पूरी की पूरी। अभी इतना बड़ा एरिया बचा हुआ है इस साइड का। चलो भाई, पार्किंग 3 और 4 पूरी कंप्लीट हो गई है, लाइटें लग गई, कैमरा लग गया, पार्किंग की मार्किंग्स लग गए, ग्रास लग गई, पूरी कंप्लीट। ठीक है, पार्किंग 1 भी पूरी कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ पर शेड्स है जो कि हटने वाले, क्योंकि ऊपर से एक और फ्लोर आने वाला है। और सिर्फ अभी पार्किंग 2 बची हुई है कंप्लीट करने के लिए। चलो दिक्कत की बात नहीं, अपने पास में ना बहुत ज़्यादा स्टॉक है तो इतना सीन नहीं होगा, पूरा ही कंप्लीट हो जाएगी ये भी। यार इसने फिर ग्रेफिटी बनाकर चला गया, कोई बात नहीं। अंधेरा भी हो गया, 39,000 डॉलर दोबारा हो गए। ठीक है, दोबारा हो गए लेवल 6 पर। बस एक ही सेकंड के अंदर या एक ही मिनट के अंदर हम पहुंच जाएंगे। मैं बस थोड़ी सी ग्रासेस और यहां से उठा लूँ, लेवल 2 की भी पार्किंग ना पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी, अपने को कुछ टेंशन ही नहीं। स्टिल हमारे पास में ना फिर भी चार ही ग्रासेस बचेगी। अच्छा हुआ मैंने 30 ही मंगाया था। पार्किंग 1 कंप्लीट, 2 भी हो जाएगी। वैसे 1 के अंदर ना इधर के पेड़ पौधे अपने को हटाना पड़ेंगे, इधर के थोड़े से अलग है। क्या रेपुटेशन बस बढ़ने पर है, ऑलमोस्ट। ये ग्रास लगाने तक मेरे को लग रहा है ना कि हमारी रेपुटेशन ना पूरी की पूरी बढ़ जाएगी। लेवल 6 पर हम बस पहुंच ही जाएंगे। बढ़ जा भाई, जल्दी से बढ़ जा, मेरे को अब सबर नहीं हो रहा, इतना सफिशिएंट है। हो गया क्या? अरे नहीं यार, अभी भी नहीं हुआ है। चलो इधर की ग्रास हटा कर ना ये वाली लगा दूंगा, तो आई गेस रेपुटेशन बढ़ जाए अपनी। अरे ना, इधर तो स्पेस बची हुई है ना, यहाँ तो ग्रास लगाना बाकी है अभी। बस एक पॉइंट, मतलब एक ग्रास और लगा दूंगा, समझ लो हो गया फिर अपना काम। लेवल 6 पर आ गए हम। यार क्या हमने फिक्स ग्रासेस मंगाई अंदाजे पर, 30 की 30 ना पूरी की पूरी लग गई भाई, पूरी की पूरी। यहाँ पर एक लगा दूंगा, 2 बची और वो इधर साइड में लग जाएगी। अब तो रेपुटेशन बढ़ ही जाएगी, नहीं बढ़ी इसकी ऐसी की तैसी, क्या करूँ मैं अब। एक ग्रास बची है, इसको कहाँ पर लगाऊ? इधर के पेड़ पौधे हटा दू। हाँ चलो इसको हटा देते है और यहाँ पर लगा देते। एक और लगाना है बस मेरे को, समझ लो और काम कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 ग्रासेस और मंगाता हूँ, आप भी टिक करके देते हो। यार मेरे पास में दोबारा 50,000 डॉलर होने आए। अरे कौन आया? कहाँ है? अरे कहाँ है? दिख रहा ही नहीं था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। 1, 2, 3, 4 ठीक है, 4 मंगा के रख लेता हूँ। ये भी छोटी मोटी ग्रासेस अब हम कर देंगे सेल। जाओ बेटे, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, सब तगड़ा तगड़ा लगाया हूँ मैंने। अब गार्बेज भर गया है, थोड़ा सा देख ले, यहाँ वहाँ मत टहल। मेरे एम्प्लॉयज को टहलने की बड़ी आदत है। इतना खर्चा करने के बाद तुम्हारे भाई ने 50,000 दोबारा से कर लिया, मतलब मैंने नहीं किया, ऑटोमेटिक हो ही गए। इसी का तो मेरे इसी वक्त का मेरे को इंतजार था कि अपनी इनकम ना ऑटोमेटिक चलती रहे, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, पोर्टर को देने की जरूरत नहीं सैलरी, मशीन लगा दो, एक खुद ब खुद काम चलता रहेगा। क्या हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी? कितनी? यस, लेवल 6 फाइनली। अब पता नहीं रेपुटेशन और कहाँ तक जाने वाली है, अभी भी बढ़ ही रही है क्या? ठीक है चलो, ग्रास वाला काम हमारा हो गया है ख़त्म।
जो बची कुछ ग्रास है इसको कर रहा हूँ मैं सेल। अब जो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा दूसरी चीज़ों के अंदर, ठीक है। लेवल 6 पर फैंस आ गई है ना अपनी, फैंस भी लगाना है अपने को, नए साइड से फैंस लगाना चालू करेंगे। बट अभी ऑफिस 3 होने वाला है अपग्रेड और साइड वॉक भी होने वाला है अपग्रेड, ठीक है। $28,000 यार, सेकंड फ्लोर के लिए ₹30,000 चाहिए, 30,000 भी आ जाएगी मेरे पास। व्हाट है जी, घर का तो लुक ही बदल गया, ये तो मेरा ही बेडरूम। अरे वाह, पहले इतना भूतिया बेडरूम था, अब देख रहे हो कितना ज़बरदस्त बेडरूम हो गया है हमारा। बाहर का नज़ारे ले लेते थोड़े। अरे स्टोरेज की कैपेसिटी बड़ी है क्या? बट नहीं यार, 40x40 कैपेसिटी है, थोड़ी सी ज़्यादा होती कैपेसिटी तो अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, बाहर से जाकर एक बार चेक तो करता हूँ। साइड वॉक देख रहे हो, पूरे के पूरे साइड वॉक अपग्रेड हो गए यहाँ से लेके वहाँ तक, अब और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। 3,700 की तो रेपुटेशन अभी हो गई मेरी, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ना मेरा ऑफिस। $30,000 भी होने पर है, लेवल 2 सीधा अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, सीधा लेवल 2 का अनलॉक कर रहा हूँ, ठीक है। कितना है लेवल 2 का देखने दो मेरे को एक बार। ये सेकंड फ्लोर कर लिया भाई, ओपन कर लिया सेकंड फ्लोर, बेसमेंट भी है इसमें, तो सारी चीजें मैक्स हो गई। देखो पार्किंग 1 मैक्स, पार्किंग 2 मैक्स, 3, 4, ऑफिस भी मैक्स हो गया, साइडवे भी मैक्स हो गया, सेकंड फ्लोर भी हमने अनलॉक कर लिया। सेकंड फ्लोर के लिए वेरी नाइस। ये बेंचेस को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ऊपर का क्या हाल चाल? ऊपर स्प्रे लगेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ का तो ऑलरेडी मतलब ये सब अल्फा वाला कलर किया हुआ है। इन लोग आएंगे कहाँ से? अच्छा हाँ, वहाँ से जो वो काला वाला जगह थी। दो रास्ते हैं अपने को ऐसे ऊपर आने के लिए, एक यहाँ से एक वहाँ से, और एक बैक साइड से भी होना चाहिए। पता नहीं बैक साइड से है या नहीं, यहाँ पर भी अब स्ट्रीट लाइटें लगेगी यार। अब और ज़्यादा ग्राइंड करना पड़ेगा, कम से कम 2,00,000 रुपये मेरे को करने पड़ेंगे, तब जाकर हम हर एक चीज़ मैक्स लेवल की अपग्रेड कर सकते हैं। 2,00,000 नहीं, 2,00,000 से तो मेरे को ज़्यादा ही रुपए लगने वाले हैं यहाँ पर। ये यहाँ से सीधा जाएगा कार ऊपर। आया मनहूस, आया मनहूस, आया मनहूस। अच्छा हुआ आज तो दिन के वक्त आया है, अच्छा हुआ तो दिन के वक्त आया। बट आया कहाँ है? आया कहाँ? इधर तो नहीं दिख रहा, इधर तो नहीं दिख रहा, क्या इधर आया है? नहीं नहीं, इधर भी नहीं है। अरे कहाँ बैठा हुआ है? हैं? कहाँ बैठा हुआ है? Where? अरे कहाँ? अरे कहाँ बैठा था? यहीं पर बैठा था, दिख भी नहीं रहा था भाई, यहीं पर बैठा हुआ था। कोई बात नहीं, फाइनली लेवल 2 की पार्किंग अनलॉक हो गई है। कैमरे लग गई है, लाइटें लग गई है, शेड्स जो लगे हुए थे उनको मैं अब बेच खा जाऊंगा, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना इन सारी चीज़ों का। हट जाओ, हम ऊपर के फ्लोर पर जा लेंगे। पता नहीं अब अपडेट के बाद में लेवल 3 भी अगर आ जाए, मतलब एक और फ्लोर आ जाएगा, तो फिर ऊपर भी अपने को शेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल में चलो सेल कर देते हैं। ये जो मेन टास्क था वो अपना कंप्लीट हो गया। अब नीचे की डिफेंस वॉल पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ऊपर की पार्किंग का ना मेरा मन कर रहा है काम स्टार्ट करने का। ये लो भाई पूरी की पूरी सेल कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अरे हाँ, मैंने मेरे को याद, एक साइड के तो मैंने पूरे ही शेड लगा दिए थे। रेपुटेशन पता नहीं इससे मेरी कम हो रही है या नहीं, या हो भी गई होगी शायद से। सारे सेल कर दूंगा, ₹10,000 मेरे पास में। अब सिर्फ इंतज़ार करना है, पैसे जोड़ना है और ऊपर का काम स्टार्ट करना है, ठीक है। बट हम आज के एपिसोड को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेज चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना भाई। व्हाट्सएप चैनल और सारी चीज़ों का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक ज़रूर करना, ठीक है। मिलता हूँ आप सभी से अगले एपिसोड में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।